सिद्धाचल के दरबार में चातुर्मास की आराधना का वातावरण, चल रहा है। यथाशक्ति संकल्प पूर्वक तपश्चर्या करते हुए अपनी आत्मा को हल्का बनाने का प्रयत्न, कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ क्षण प्रतिक्षण हर क्रिया के द्वारा हमारे द्वारा हो रहा है। चाहे तलेटी की यात्रा हो, चाहे सुबह सुबह का प्रतिक्रमण हो, चाहे सामयिक में बैठकर वीतराग परमात्मा की वाणी का रसपान करना हो, एकासना बियासना करते समय भी, प्रतिक्रमण करते समय भी, दो तीन रोज पहले साध्वी जी महाराज ने जो गीत सुनाया था, जिसमें सुबह से शाम की पूरी दिनचर्या का वर्णन किया था, वो दिनचर्या जो कर्मों से मुक्त होने के लिए है, शस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि बिना शस्त्रों से शत्रुओं से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। जब शत्रु का आक्रमण होता है तो उस समय में कोई भी व्यक्ति अन्य कोई क्रिया नहीं कर पाता। किसी घर पर किसी शत्रु का आक्रमण हो रहा हो तो उस घर के लोग उन क्षणों में क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, मोबाइल से चैटिंग करेंगे, खाना पीना करेंगे, विश्राम करेंगे, नींद लेंगे, सपने देखेंगे, गप्पे मारेंगे, क्या करेंगे? उस समय वो एक ही काम करते हैं, शत्रु का सामना करो, हाथ में शस्त्र धारण करो, और जो भी शस्त्र मिले उनसे शत्रुओं पर टूट पड़ो। यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो पूरे उत्साह उल्लास और पूरी क्षमता पूरी शक्ति के साथ में उस पर नीचे थोड़ा प्रेम से बोलना, धीमे से बोलना, नीचे कहना थोड़ा धीरे बोले, प्रेम से बोलना। और शत्रुओं पर जो आक्रमण करना है उसमें लक्ष्य शत्रुओं का नाश नहीं है, उसमें लक्ष्य है शत्रुओं पर विजय पाना। नाश करना और विजय पाना, इन दोनों में अंतर है। लक्ष्य एक ही रहता है कि मुझे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, और विजय प्राप्त करना है इसका अर्थ केवल इतना ही है कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। जो लूटने के लिए आए हैं शत्रु, मुझे अपनी समृद्धि, अपनी सारी संपत्ति, अपना वैभव, अपना खजाना उन शत्रुओं से बचाना है। लक्ष्य केवल एक ही है, बचाना, अपने आप को सुरक्षित करना। और अगर शत्रु छोड़ करके चले जाएं तो वो आदमी कभी भी शत्रुओं के पीछे जाकर और आगे बढ़कर उनसे युद्ध करने की चेष्टा नहीं करता। हम यहां शत्रुओं से लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन सबसे पहले जानो तो सही कि शत्रु है कौन।
और दिखाई देने वाले शत्रुओं से लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जो दिखाई ना दे, ऐसे शत्रुओं से लड़ना कैसे? शत्रुओं से लड़ने की बात नमो अरिहंतानम कह रहा है, इसलिए अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के लिए नवकार महामंत्र में जिस शब्द का प्रयोग किया गया, अरिहंत शब्द का अर्थ वहां तीर्थंकर है। लेकिन नवकार महामंत्र में नमो तिथेराणम ऐसा नहीं कहा, नमो अरिहंतानम कहा। यह प्रेरणा है, इशारा है, अगर समझ में आई तो, अगर समझने की चेष्टा हो तो। विशेषण तीर्थंकरों का है, परिभाषा तीर्थंकर की है कि तीर्थंकर कौन, मैं किसे वंदना कर रहा हूं कि तीर्थंकरों को, कि तीर्थंकर कौन कि जिन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। अरि शब्द का अर्थ शत्रु है और हंतानम शब्द का अर्थ हुआ शत्रुओं को जिन्होंने भगा दिया, शत्रुओं को जिन्होंने पास भी फटकने नहीं दिया, जो भीतर थे उन्हें बाहर कर दिया, दूर कर दिया, अलग कर दिया। शत्रुओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, यह नमो अरिहंतानम का अर्थ है। परिभाषा तीर्थंकर की है। इस पहले पद के द्वारा तीर्थंकरों को वंदना है, लेकिन शब्द उपयोग में लिया गया है नमो अरिहंतानम, यह इशारा है कि जिस प्रकार वे शत्रुओं पर युद्ध करके उन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक ऐसे ही हमें अपने शत्रुओं से लड़ना है, अपने शत्रुओं को पहचानना है, अपने शत्रुओं का अनुभव करना है। लेकिन सबसे पहले जानो कि हमारे शत्रु है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शत्रु हैं उन्हें हमने मित्र बना लिया है, या वो मित्र बनकर मेरे घर में अपनी पैठ जमा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपने शत्रु को, शत्रु का पोषण नहीं करता जानबूझकर। कभी मजबूरी में करना पड़ जाए तो बात एक अलग। मजबूरी की बात अलग है। जैसे आगमों में एक उदाहरण आता है, ये आगमिक उदाहरण है कि एक किसी डाकू ने एक सेठ के लड़के की हत्या कर दी। सेठ का लड़का घूम रहा था, छोटा था, बालक था, उम्र होगी 8-10 वर्ष की, लेकिन आभूषण धारण किए हुए थे, शरीर पर पाव से आधा किलो सोना होगा और उसमें भी हाथों में, हाथों की अंगुलियों में पहनी हुई अंगूठियों में मूल्यवान हीरे पन्ने और मोती जड़े थे। डाकू की नजर पड़ी, बच्चे को देखा, खेलते हुए बच्चे को देखा, उसे बुलाया, उसे पुचकारा, उसे फुसलाया, बहलाया, अपने पास बुलाया, एकांत में लेकर गया और सोना खरे, सोना छीनने की गरज से वो बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जब उसके हाथों से उसकी अंगुलियों से अंगूठियां उतारी जा रही थी तो उस लुटेरे को आया गुस्सा और उसने उस बालक की हत्या कर दी, गला घोंट दी, आभूषण सारे ले लिए, वहां से रवाना हो रहा था कि पकड़ा गया। जेल में डाल दिया गया।
कठोरतम कारावास की सजा मिली। दो चार महीने बीते होंगे कि यह घटना घटी। इस घटना में गलती थी या गलत फहमी थी पता नहीं, मगर जो भी हुआ उस सेठ पर कोई घोटाले का आरोप आ गया। जिसके लड़के की हत्या हुई थी उसके पिता पर, कारावास की सजा उसे भी सुनाई गई, लेकिन वो कारावास पुराने जमाने का, उसी कोठरी में इसे भी डाल दिया गया जिस कोठरी में इस सेठ के लड़के का हत्यारा था। सेठ को उस कोठरी में जब डाला गया तो देखा तो देखते ही पहचान गया कि ये तो मेरे लड़के का हत्यारा है, मुझे इसके साथ रहना होगा, हूं मैं निर्दोष, मगर जब सिद्ध होगा तब होगा, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक तो मुझे यहीं रहना होगा। न केवल उस सेठ को उसी कोठरी में डाला गया बल्कि पांव की बेड़ी, ऐसी बेड़ी जिसमें उस चोर का बायां पांव और सेठ का दायां पांव एक साथ, दोनों को आपस में बांध दिया गया। वो लकड़ी की बेड़ी जिसमें दो छेद, जिसमें दो पांव आए, लकड़ी एक छेद दो पांव आने के, चोर का बायां पांव सेठ का दायां पांव लकड़ी के भीतर, दोनों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब कहीं भी जाना हो तो दोनों को साथ ही चलना पड़े। इधर सेठ है, इधर चोर है, वो डाकू है, हत्यारा है। सेठ बड़ा पशुपेश में पड़ा, उस डाकू के लिए भोजन जेल में तैयार होता था, लुकी रोटियां और दाल कंकड़ वाली जिसमें न घी का पता, न मिर्ची का पता, न नमक का पता। वो डाकू तो रोजाना वही भोजन करता था, जेल की रोटियां। और सेठ के लिए, चूंकि सेठ पर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, इस कारण सेठ के लिए भोजन उसके घर से आता, तो जो घर से भोजन आता उसमें मिष्टान्न भी होता, पौष्टिक तत्व भी होते। अब घर की रोटियां, घर की सब्जियां, सारी सामग्री, वो सेठ वो भोजन करता और डाकू इसे घूर घूर, वो हत्यारा इसे घूर घूर कर देखता। उसके मन में भी भोजन करने की इच्छा तो ही कि ये भोजन मुझे भी मिले, और उसने कहा भी कि ये भोजन मुझे, सेठ ने कहा तू हत्यारा है, मेरे लड़के का हत्यारा, और तुझे मैं भोजन कराऊं। मगर तीसरे दिन जब सेठानी भोजन का टिफिन लेकर के आई जेल में, और तब जेल में देखा कि सेठ ने टिफिन खोला, आधा भोजन अपनी थाली में और आधा भोजन उस हत्यारे की थाली में भी डाला, आग बबूला हो गई। उसके भीतर का क्रोध फुफकारने लगा, क्या कर रहे हो तुम, किसे भोजन दे रहे हो, इतना अच्छा भोजन, मिष्टान्न भोजन, और तुम अपना भोजन साझा कर रहे हो किसके साथ, उस हत्यारे के साथ, लड़के को जिसने मारा है। उस सेठ ने कहा मेरी मजबूरी है, मजबूरी है मेरी, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, मैं भी जानता हूं कि यह शत्रु है,
जिसने मेरे लड़के को खत्म किया है, उस पीड़ा से मैं मुक्त जिंदगी भर कभी नहीं हो सकता, मगर फिर भी इसे भोजन कराना मेरी दर्द भरी मजबूरी है। बोले ऐसा क्यों, एक ही बेड़ी, अब मुझे कहीं पर भी जाना हो, बाहर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, और कल ऐसा ही हुआ, मैंने कहा मुझे चलो, इसने कहा नहीं चलता, अब अगर ये ना दे तो मैं चल नहीं सकता, मैं क्या करूं, एक ही बेड़ी, मैं करूं क्या। तब मैंने कहा कि चलना तो होगा, तू शर्त बता। शर्त मेरी यही है कि भोजन मुझे वो ही मिलना चाहिए जो आप करते हैं। मजबूरी में मुझे हां भरनी पड़ी। शत्रु के साथ कोई व्यक्ति मीठा व्यवहार नहीं करता। लेकिन कभी कभी करना मजबूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हम समझें कि हमारा शत्रु है कौन, हमारा शत्रु कौन है। और अचरज की बात यह है कि शत्रु हमारे पास है, शत्रु हमारे भीतर है, और शत्रु को हम 24 घंटे रात दिन अपने साथ रखते हैं, घुमाते हैं। और सबसे बड़ी अचरज की बात तो यह है कि हम शत्रु की ही बात मानते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, मित्र और शत्रु, इन दोनों में से किसी एक की बात मानना हो तो किसकी बात मानेगा, मित्र की मानेगा या शत्रु की मानेगा, मित्र की ही मानेगा। लेकिन हमारी दशा ऐसी है, और ये अब से नहीं बल्कि न मालूम कितने काल से, कितने समय से, हमने सदा सदा शत्रुओं पर भरोसा किया है, मित्रों पर अविश्वास, शत्रुओं की बात मानी है, मित्रों को ठुकराया है, शत्रुओं को गले लगाया है, मित्रों के सामने अपनी आंखें तरीरी है, शत्रुओं को देखकर मुस्कुराए हैं, और मित्रों के सामने हमने अपनी आंखें लाल की है। शत्रु कौन है, मित्र कौन है? परमात्मा के वचन बड़े अद्भुत हैं। इसी उत्तराध्यान सूत्र में, उत्तराध्यान सूत्र जो विषयों का भंडार है, जो अपने आप में एक पूर्ण रास्ता है, उत्तराध्यान रूप रास्ता मिल जाए तो किसी और रास्ते की कोई अपेक्षा नहीं है। उत्तराध्यान में सूत्र में परमात्मा की वाणी कहती है कि तेरा मित्र कौन है और तेरा शत्रु कौन है। परमात्मा कहते हैं तू ही तेरा मित्र है और तू ही तेरा मित्र है। अब ये तो बहुत अजीब बात है, समझ में नहीं आई, मैं ही अपना मित्र कैसे और मैं ही अपना शत्रु भी कैसे। यदि मैं मित्र हूं तो शत्रु नहीं, शत्रु हूं तो मित्र नहीं, दोनों बातें एक साथ मेरे भीतर में कैसे घटित होगी। कोई भी व्यक्ति या तो शत्रु है या मित्र है, दोनों संज्ञाएं एक साथ किसी एक ही व्यक्ति में कैसे दी जा सकती। लेकिन परमात्मा की वाणी तो बड़ी अद्भुत है और बड़ी गहरी है, रहस्य भरी है, जो हमें चिंतन देती है। और परमात्मा तो हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाते हैं, उत्तर खोजो। और अगर प्रश्न हुआ है तो उत्तर निश्चित रूप से मिलना है, और अपने अंतर से ही मिलना है।